ओ इधर आओ। मैं? हाँ तुम्हें और कोई दिख रहा? हाँ बोलो। तुम्हारी वजह से मेरा फूल टूट गया, देख के नहीं चल सकते? मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? तुम देख के नहीं चल सकते थे, मेरा फूल टूट गया तुम्हारी वजह से। अब मैं दूसरा फूल कहाँ से लाऊं? गलती आपकी है, आपकी वजह से मेरा फूल गिरने से बच गया। मैं बजाय सॉरी करने के तुम मेरे से आगे से बहस कर रहे हो। देखिए मैम आप जाएं यहाँ से, आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी भलाई इसी में होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। ओ हेलो, तुम्हारा टाइम, तुमने जो मेरा टाइम वेस्ट किया उसका क्या? अब मैं दूसरा पुल कहाँ से लाऊंगी बताओ तुम? एक तो अच्छा काम करने जाओ, ऊपर से तुम्हारी जैसी काली बिल्ली आके रास्ता रोक देती है। देखिए मैडम तमीज़ से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोली नहीं जा रहा हूँ, आप बोली जा रही हैं। तमीज़ और वो भी तुमसे? तुम्हें पता है आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, लेकिन अफसोस अब तुम्हारी वजह से मुझे उसको यहाँ बुलाना पड़ेगा। ये फोन तुम्हारे पास कैसे? तुम मुस्कान हो? हाँ और तुम? बदकिस्मती से मैं यूसुफ। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? ओह सॉरी, आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया, अगर आप ये सब कुछ ना करती तो ये असलियत सामने नहीं आती। आपको पता है फोन पे कोई भी अच्छी अच्छी बातें करके अपने आप को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन जब कोई सामने आ जाता है तो उसकी असलियत का पता चल जाता है। जैसे आपकी असलियत का पता चल गया। नहीं यूसुफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उससे मैं आ गई थी क्योंकि मेरा फूल गिर गया था। जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? ठीक है मैं माफ कर देता हूं, लेकिन उस थप्पड़ का क्या जो तुमने मुझे मारा है? मैं सॉरी बोल तो रही हूं, और तुम बताओ क्या करूं मैं? क्या करूं? हां इसका तरीका है मेरे पास। क्या? यह वो तरीका, पहले सामने वाले इंसान की सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे और क्या नहीं। आपकी तरह नहीं कि बिना सोचे समझे थप्पड़ मारूं। और हाँ आज के बाद कल मैसेज मुझे मत करना। एक और बात, आपने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। गुड बाय।